हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 3 के लिए एग्ज़ाम पैटर्न एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि उनको इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स सी। सो अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये एग्ज़ाम पैटर्न आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं होगा, क्योंकि आपका जो सेमेस्टर 2 में एग्ज़ाम पैटर्न था, सेम एग्ज़ाम पैटर्न सेमेस्टर 3 में भी होगा। सो आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता है, आप उससे परिचित है, लेकिन फिर भी हम आपके एग्ज़ाम पैटर्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। सो एक्सटर्नल एग्ज़ाम में जो आपकी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होगी, उसमें आपका जो एग्ज़ाम पेपर होगा, उसमें 4 क्वेश्चंस आएंगे। तो जो क्वेश्चन 1 होगा, उसमें आपको एक लॉन्ग यानी कि डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है। मीन्स जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आपको विस्तार से समझाना पड़ेगा, उसको आपको लेंथ में लिखना पड़ेगा। आपका आंसर लेंथी होना चाहिए, आप उसको शॉर्ट में नहीं लिख सकते, ना ही आप शॉर्ट में उसको समझा सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग होना चाहिए। एंड ये क्वेश्चन 1 आपका जो है वो 17 मार्क्स का रहेगा। एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 3 तक एक ऑप्शन मिलेगा। मीन्स क्वेश्चन 1 में 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी। आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर आता है वो आप लिख सकते हैं, बट यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आप अगर आपको ए आता है, ए वाला क्वेश्चन जो है वो आता है, तो आप ए को मेंशन करके उसके बाद उसका आंसर लिखना है। एंड अगर बी वाला आता है तो आपको बी को मेंशन करना है, हाईलाइट करना है, एंड देन उसके बाद उसका आंसर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो क्वेश्चन 1 है वो आपके पेपर से, आपके सिलेबस से जो यूनिट 1 होगा वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मीन्स क्वेश्चन ए में पूछा जाएगा इंडियन इंग्लिश नॉवल बिफोर इंडिपेंडेंस, एंड बी में पूछा जाएगा इंडियन इंग्लिश नॉवल आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर आपको बिफोर इंडिपेंडेंस अच्छे से आता है, तो आप ए को मेंशन करके उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको आफ्टर इंडिपेंडेंस आता है, तो आप बी को मेंशन करके उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सेम थिंग क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 के जो ऑप्शंस होंगे उसके लिए भी एप्लीकेबल रहेगी। क्वेश्चन 2 में भी आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना रहेगा, एंड क्वेश्चन 2 में भी आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एंड इसका जो मार्क्स होगा वो 18 होगा। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, उसका जो आंसर होगा वो क्वेश्चन 1 से थोड़ा लेंथी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन 1 में आपको 17 मार्क्स है एंड क्वेश्चन 2 में आपके 18 मार्क्स है। तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है उसकी लेंथ होनी चाहिए। क्वेश्चन 3 में भी आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है, इसमें जो उसका मार्क्स होगा वो 17 का होगा। क्वेश्चन फोर में आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिखना, इसमें आपको शॉर्ट में आंसर लिखना है, ब्रीफ में लिखना है। तो ये रहेगा 18 मार्क्स का। इसमें आपको 5 एक्वेंटेंसेस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 3 एक्वेंटेंसेस लिखने हैं शॉर्ट में। सो ये हो गया आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए 17 मार्क्स का पेपर एंड उसकी एग्ज़ाम पैटर्न। तो अब अगर हम इंटरनल एग्ज़ाम, उसके पैटर्न, उसके मार्क्स की बात करें, तो इसमें हम ज़्यादा श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कॉलेज वाइज ये जो मार्क्स है, जो पैटर्न है, वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कॉलेज का अपना अपना क्राइटेरिया होता है मार्क्स का एंड पैटर्न का। कुछ कॉलेजेस में 30 मार्क्स का पेपर होता है, कुछ कॉलेजेस में 50 मार्क्स का पेपर होता है, एंड कुछ कॉलेजेस में इससे ज़्यादा या कम हो सकता है। एंड उसी तरह एग्ज़ाम पैटर्न, इंटरनल एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो वो भी डिफरेंट होती है। कुछ कॉलेजेस में सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं, एंड कुछ कॉलेजेस में 1 या फिर 2 लॉन्ग क्वेश्चन एंड उसके बाद शॉर्ट नोट्स पूछ लेते हैं, एक्वेंटेंसेस पूछते हैं। एंड या फिर कुछ कॉलेजेस में ऐसा भी होता है कि सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसी तरह से अपना अपना हर एक कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है मार्किंग का, एंड पैटर्न जो है वो भी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे आपको भी अपनी अपनी कॉलेजेस का एग्ज़ाम पैटर्न एंड मार्किंग क्राइटेरिया पता होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी इंटरनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं।
सो ये एग्ज़ाम पैटर्न बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 3 के साथ साथ सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 5 को भी लागू पड़ेगा। सो अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे फॉर द बीए सेमेस्टर 3 इंग्लिश। तो सीसी 303 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश फिक्शन, तो इस पेपर में देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो यूनिट 1 में आपको दो टॉपिक्स दिए गए हैं, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे दो ही टॉपिक है। तो जब दो ही टॉपिक हो किसी भी यूनिट में, तो आप कोई भी एक टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए अपनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जाम के लिए। सो यूनिट 2 में यहाँ पे इंडियन इंग्लिश नॉवल बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से आता है, जिस जो भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, वो क्वेश्चन आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एंड वो क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन है, कोई भी एक प्रिपेयर कर लीजिए। यूनिट 2 में एक ही टॉपिक है स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण, तो यहाँ पे एक ही टॉपिक है, आपको पता है कि यही आईएमपी क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पे बात ये ध्यान में रखनी है कि इस क्वेश्चन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस यूनिट में टॉपिक एक ही है, लेकिन उसको वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने के चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में। उसकी थीम्स भी पूछ सकते हैं, या फिर उसका कैरेक्टराइजेशन, या फिर उसका टाइटल का सिग्निफिकेंस पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि इस नॉवल में स्वामी एंड फ्रेंड्स में आप इसकी थीम्स को प्रिपेयर कीजिए। फर्स्ट आपको ऑथर के बारे में लिखना है, देन आपको थोड़ा सा नॉवल के बारे में, एंड देन जो उसकी थीम्स है उसको वन बाय वन उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस पेपर में यूनिट 2 में आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन है स्वामी एंड फ्रेंड्स की थीम्स। यूनिट 3 में है कांथापुरा बाय राजा राव, तो ये नॉवल एक पॉलिटिकल नॉवल भी है, एक गांधीयन नॉवल भी है, एक रीजनल नॉवल भी है, एक स्थल पुराना नॉवल भी है। तो आप इस नॉवल को किस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि इसके लिए आप एज अ स्थल पुराना नॉवल क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए, एंड अगर एग्जाम में इसको एज अ रीजनल नॉवल पूछा गया है तब भी आपने जो क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर किया है एज अ स्थल पुराना वो आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं। तो यूनिट 3 में आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन है कांथापुरा एज अ रीजनल और स्थल पुराना नॉवल। यूनिट 4 में जो इम्पोर्टेंट एक्वेंटेंसेस से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है द गाइड बाय आर के नारायण, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय, द होम एंड द वर्ल्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रश्दी एंड ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह। नेक्स्ट सीसी 304 ब्रिटिश पोइट्री 17th एंड 18th सेंचुरीज, तो इस पेपर में यूनिट 1 में दो टॉपिक्स है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप एज ऑफ मिल्टन की चीफ लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट यूनिट 2, इसमें एक ही टॉपिक है, एक ही पोइट्री है, लिसिडस बाय जॉन मिल्टन, तो आप इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मेरा सजेशन है आपके लिए इम्पोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है कि इसको आप एज अ पेस्टरल एलिजी प्रिपेयर कीजिए, लिसिडस एज अ पेस्टरल एलिजी। यूनिट 3 द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप, तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका आपके लिए, द रेप ऑफ द लॉक एज अ मोक हेरोइक पोएम, तो आपको इसको द रेप ऑफ द लॉक एज अ मोक हेरोइक पोएम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। यूनिट 4 में आपके लिए इम्पोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन से जो एक्वेंटेंसेस है वो है पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे, एस ऑन ड्रामेटिक पोएजी बाय जॉन ड्राइडन, द स्पेक्टेटर बाय एडिसन एंड स्टील एंड आइडलर बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, तो ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट एक्वेंटेंसेस। देन सीसी 305 लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इस पेपर में यूनिट 1 में तीन टॉपिक्स है, तो आपको जहाँ पे भी तीन टॉपिक्स होते हैं जिस भी यूनिट में, तो वहाँ पे आपको दो टॉपिक्स प्रिपेयर करने होते हैं एग्ज़ाम के लिए, अगर रिस्क ना लेना हो तो। बट यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप टोटली फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे डिपेंडेंट रह सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। करना इतना है आपको कि आपको थोड़ा सा डेफिनेशन प्रिपेयर कर लेने हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के, मीन्स व्हाट इज़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो एग्ज़ाम में फर्स्ट आपको व्हाट इज़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में थोड़ा लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है, एंड देन आपको फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को एक्सप्लेन करना है, सारे फंक्शंस लिखने हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के। तो यूनिट 1 में आपके लिए इम्पोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म।
यूनिट टू में दोनों ही टॉपिक्स प्लेटो के हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री एंड थ्योरी ऑफ इमिटेशन। तो आप जो भी आपको ज़्यादा इजी लगता है आप इसमें से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट थ्री, नेचर एंड फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी बाय एरिस्टोटल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो बाय एरिस्टोटल। तो यहाँ पे दोनों ही टॉपिक्स इंटरेस्टिंग है, आपको जो टॉपिक ज़्यादा समझ में आया हो, जिस पे आप ज़्यादा लिख सकते हो, वो एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यूनिट फोर है, तो इस यूनिट में आप प्रिपरेशन करने से पहले थोड़ा सा बैलेंस रख के इसको चूज़ कीजिएगा, एक्वेंटेंसेस को, क्योंकि यहाँ पे इंडियन वर्ड्स है एंड ग्रीक वर्ड्स है। तो ऐसा ना हो कि सारे आप इंडियन वर्ड्स को प्रिपेयर कर लें एंड ग्रीक वर्ड्स को प्रिपेयर ना करें। सो इस यूनिट में आपके लिए IMP एक्वेंटेंसेस है रसा, रीति, ध्वनि, कथारसिस एंड हमर्शिया। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होंगे एंड आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। सो वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।